आप सही लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सोलंकी, आई डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एएनपी टेक्नीशियन की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं जो ग्रुप डी के सेकंड फेज के जो क्वेश्चन हुए थे उनका संग्रहालय है। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लाउड कैन बी सीन व्हाइट। जो क्लाउड है हमको व्हाइट क्यों दिख सकते हैं विद द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, इस तरीके से हमको दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्लाउड का जो फिनोमेना चलता है वो हमको व्हाइट इसलिए देखते हैं जो स्कैटरिंग ऑल द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट विद ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी। आपको मालूम है जब भी डिस्पर्सन होता है लाइट का, एक व्हाइट लाइट हम जब इस पे लगाते हैं, जैसे यहाँ पर वेव गियर चलता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है जब व्हाइट लाइट जो स्कैटर्स है ना, जो स्कैटर्स जो पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं, तो जो उनकी जो वेवलेंथ है मोस्टली वो क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी होती है सबकी। ऐसा नहीं कि कोई कम से ज्यादा कोई ज्यादा से ज्यादा, ऑलमोस्ट सबकी इक्वल इंटेंसिटी होती है। इसके कारण हमको क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। स्कैटर वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्लू, नहीं ऐसा नहीं है। ब्लू के लिए ये क्या होता है, जैसे विव ग्योर है, ये क्या होता है जब ये जो लाइट की जो इंटेंसिटी ब्लू है ना, जब बी आई एन को कलर बनाते हैं तब हमको क्या बनता है, एक ब्लू कलर मिलता है जब होता है। पर लेकिन जब व्हाइट स्कैटर्स हैं कोई ज्यादा नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे को सबकी इंटेंसिटी इक्वल है, इसलिए हमको व्हाइट दिखते हैं वहां पर, कोई कलर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। आपने देखा होगा व्हाई आर द क्लाउड व्हाइट, इस स्कैटर एंड बाउंस एंड बिटवीन द वाटर ड्रॉपलेट, जो स्कैटर्स है उसके बाउंस बैक हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन सेम वाइल मूविंग डाउन टू द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो आपको मालूम है कि बैलेंस ही सबकी सेम ही रहेगी। आपको ऐसा नहीं कि 17 ग्रुप की बैलेंस ही कुछ चेंज हो जाए, 17 ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे तो उनकी जो जो बैलेंस होगी वो 7 ही होगी डाउन द ग्रुप में, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर एटमिक साइज ये नहीं है, तो सेम जो रहती है मूविंग डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। डाउन टू द पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है, बैलेंस ही हमारी क्या होती है, सेम रहती है। काफी इजी क्वेश्चन है ना, पूछा भी जाता है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर आर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन द राइट पोजीशन। आपको मालूम है जब भी किसी फ्रैक्चर हो जाता है गलती बस कुछ भी चीज से, तो वो बोन हमारी राइट पोजीशन पर है, उसमें क्या यूज किया जाता है? आपको मालूम है कि वो जिप्सम रहता है, जिप्सम रहता है। एक्चुअल में क्या रहता है, वो जिप्सम या पीओपी बोल सकते हैं यहाँ पर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 HF2O, इसको बोलते हैं हम जिप्सम, सॉरी प्लास्टिक और पीओपी बोलते हैं इसको, पीओपी। जब इसको हीट किया जाता है, जब हमको क्या मिल जाता है, 2H2O, अगर 2H2O यहाँ पर मिल जाए वो होता है हमारा जिप्सम, जो होता है जिप्सम। हमको मिलता क्या है, पीओपी, मतलब जो डॉक्टर जो यूज करते हैं उसका यूज करते हैं पीओपी का, ठीक है। पीओपी प्लास्टिक ऑफ पेरिस बोलते हैं। सी क्या होता है, हाफ H2O होता है यहाँ पर, यह क्या होता है CA, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 हाफ H2O। अगर पूरा अगर मतलब 2H2O के होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम इज द ओर ऑफ कैल्शियम। अब आपसे पूछा वो जिप्सम एक्चुअल में है क्या, ये क्या है, एक ओर है, ओर है, ओर है, जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइट का ओर है, तो ये ओर है, तो वो किसका है, कैल्शियम का ओर है, कैल्शियम का ओर है। केमिकल फार्मूला आपको मालूम है जिप्सम का 2H2 होता है इसमें, मतलब CaSO4। जिप्सम इज मेनली यूज फॉर, और जो जिप्सम है ये यूज किसके लिए जाता है, फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टिक पेरिस, आपको मालूम है जिप्सम जो यूज होता है प्लास्टिक और प्लास्टर चौक इस तरीके का यूज होता है। प्लास्टिक और पेरिस में मिक्सिंग ऑफ वाटर प्रोड्यूस जिप्सम। जब ये प्लास्टिक और पेरिस को मिक्स किया जाता है वाटर के संग, तो हमको क्या देता है, वो जिप्सम देता है, ठीक है। जब देखो जिप्सम कैसे बन रहा है, प्लास्टिक और पेरिस से बनना है, पीओपी से बनता है, जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो होता है हाफ H2O, तो हाइड्रेशन हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि 2H2। जब भी 2 लग जाए तो आपको समझना है कि वो क्या है, हमारा जिप्सम है, हाफ है तो हमारा पीओपी है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस है। पीओपी हमको कहते हैं क्विक सिल्टिन जिप्सम भी बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग द फाइन वॉट व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पाउडर की तरह आपको कैल्शियम सल्फेट या हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, तो उससे क्या मतलब हार्ड बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पीओपी के बहुत सारे टॉयज भी आते हैं काफी। नॉन एज द प्लास्टर अबेंडेंट जिप्सम इज द फर्स्ट फाउंड इन द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस ऑफ पेरिस। ये जो है जिप्सम जो है मोस्टली जो मतलब जो फाउंड किया गया था फ्रांस में किया गया था, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में किया था, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जब भी बात करेंगे हाफ H2O लगाएंगे, इसको गलती नहीं करनी है, CaSO4 2H2O जिप्सम बोलेंगे, याद करना। एप्लीकेशन देख लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में आपको मालूम है घर में सबकी पीओपी होती है, ये पीओपी करा लो। मॉडलिंग वेस्टलिंग और डेकोरेटिव एलिमेंट में यूज होता है, और ठीक है ये आपको मालूम है, इसको जाना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट डोबिनियर ट्राइस। देखो डोबिनियर ट्राइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
कौन सा डोमिनेट ट्राइड्स है। डोमिनेट्स जो ट्राइड्स है आपको जो तीन तो आपको रटना ही है। पहला कौन सा है आपको लीना का, लिथियम सोडियम पोटेशियम LNK, ये रट गया ठीक है। अब ये होता है सेकंड कौन सा ट्राइड है, कैल्शियम बेरेरियम और स्टोनियम ठीक है। ये होता है हमारा कैल्शियम बेरेनियम स्टोनियम, ये तीन रटने हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखो एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में एग्जैक्ट, ऐसे नहीं कि ब्रोमीन क्लोरीन कुछ नहीं, क्लोरीन फिर ब्रोमीन और आयोडीन, याद रखना सीक्वेंस ही रखना है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीन होते हैं हमारे। तो यहाँ पर तो कैल्शियम स्टोडियम और बेरेरियम है, कैल्शियम स्टोडियम बेल्शियम है ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट वो पूरा है ना, करेक्ट डोमिनेट का ट्राइड। अब आपको तीनों याद होना चाहिए, आगे भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन आएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकंड क्या आता है कैल्शियम बेरेरियम स्टोनियम ठीक है, कैल्शियम बेरेरियम स्टोनियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको मालूम है कि ये जो है जो डोमिनेट ट्राइड्स का उन्होंने एक वो दिया था कि तीसरे से एलिमेंट्स क्या होंगे उसका अगर एवरेज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड एलिमेंट के बराबर आएंगे, तो इसलिए उसको ट्राइड कह रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ट्राइड वुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, पहले और थर्ड को तो इसके जो बीच का एलिमेंट होगा उसके बराबर ही आएंगे ठीक है। तो तीन ट्राइड तो आपको लीना का लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बेरेनियम स्टोनियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है। ए डिवाइस एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज होम एंड इंडस्ट्री, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक जनरेटर घर में भी आपने शादियों में देखा होगा कि जब लार्ज यूज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल तो करनी, इलेक्ट्रिक मोटर का काम है नहीं, इलेक्ट्रिक टोस्टर का काम नहीं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ही है जो कि लार्ज करंट जो होम या इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। वॉट आर द मेन रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस इन ड्राइविंग द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या रीजन था, तो ही स्टडी ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम हिज क्रॉसेस, एक ही कैरेक्टर को इसने क्या किया वो किया, ही सिलेक्टेड द पी प्लांट तो किया ही था, ऐसा नहीं कि पी प्लांट के कारण ही वो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने कर लिया, पी प्लांट तो था ही, ही चूज द पेरेंट प्लांट, पर इन्होंने एक ही किया कि एक ही कैरेक्टर को, वन कैरेक्टर को ही इन्होंने क्या किया था क्रॉस किया था एट द टाइम, इसलिए इनका ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या हुआ था सक्सेस हुआ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उस समय क्या हुआ था आपका सक्सेस हुआ था इनका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट इज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेम साइज फॉर्मेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखो जब भी ये केस बनता है, देखो ये आपका क्या है कॉनकेव मिरर है आपको मालूम है 6 केसेस बनते हैं कॉनकेव मिरर में। उसने क्या बोला है कि देखो क्या मिल रही है कि जब एक ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर लगती है और इन्वर्टेड में सेम साइज की डिस्टेंस पे हमको मिल जाता है, तो सेम साइज की डिस्टेंस यानी कि ये जो एक ही ऐसा केस बनता है जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब हमको क्या मिल जाता है रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है, ऑब्जेक्ट तो रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज मिलती है, तो एक ये केसेस ऐसे ही बनता है कि जो डिस्टेंस है इधर पे ही हमको क्या मिलेगा 20 सेंटीमीटर पे ही हमको जो इमेज बनेगी जो सेम साइज की इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, और वो कौन सा केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस होता है याद रखना ठीक है। ये माइनिंग कॉजेस पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ, आपको मालूम ये स्लेज होती है, ये क्या होती है स्लेज होती है, ये स्लज नहीं है, स्लज ये एक होता है जो गंदे पानी जो वेस्ट मटेरियल जब निकलता है घरों में से जो वो स्लेज वाला ये है ठीक है, ये स्लग है SLAG स्लग, इस तरह की धूला जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण माइनिंग से इसमें क्या होता है और तो हो ही नहीं सकते, और से तो हम मिनरल निकालते हैं, सिलरी नहीं होता स्लैग होता है सिंपल ठीक है। तो ये क्या होते हैं इससे लार्ज अमाउंट ऑफ धूल वगैरह होती है तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, आपने देखा भी होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, आपको मालूम है कि जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसमें क्या RBC होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स ये प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिगेस्ट रेगुलेटरी ऑक्सीजन एफिनिटी, जो ऑक्सीजन एफिनिटी के कारण क्या होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एफिनिटी कहती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन इट्सेल्फ मतलब ऑक्सीजन उनमें खुद से आ जाता है ठीक है एफिनिटी के कारण। इफ इन द लंग्स द ऑक्सीजन लेवल आर हाई हीमोग्लोबिन शो इज अ ग्रेटर एफिनिटी, अगर आपको मालूम है ऑक्सीजन लेवल अच्छा है तो वो क्या होता है तो एफिनिटी क्या देती है अच्छी दिखाते हैं टूवर्ड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड द मोर ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं काफी ज्यादा उसको बॉन्ड कर लेते हैं ठीक है, तो इसको एफिनिटी इंक्रीजिंग बाय बिकता। ऑक्सोहोमोग्लोबिन एक प्रोसेस होती है जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी बिकम सैचुरेटेड होती है एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन इंक्रीजिंग वेयर द बाइंडिंग लूसेज होता है। और एक होता है हमारा ये कोई ज्यादा काम का नहीं है, देखो हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन क्या होती है एक्सटर्नल केमिकल फैक्टर है जो कि ऑक्सीजन को टेकअप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द लंग्स एंड सेंड टू द बिगेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी,
आयरन इसमें क्या होता है, इसमें पूछा जाता है आरबीसी का मेन कॉन्स्टिट्यूंट कौन सा है, आयरन। आयरन नहीं दिया होगा तो आपको एफ ही दिया होगा। और नॉर्मल लेवल जो होमोग्लोबिन का होता है वो 13 से 17 ग्राम पर डिसीलीटर होता है, मेंस में 13 से 17 और फीमेल में होता है ये जो कि 12 से 15 जो होता है फीमेल में, 13 से 17 किस में होता है, मेंस में होता है। एक मैमेलिन नाम का एक मतलब एक वो भी होता है, ये भी बता रहा हूँ बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैमेलिन क्या होता है, जैसे आपकी जो कितना गोरा है तो वो इसके कारण होता है, ये डार्क ऑफ द बायोलॉजिकल पिगमेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बिल्बुरिन क्या होता है, एक येल्लो सब्सटेंस होता है आपके जो ब्लड में फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल पे, आज इसको ब्रेक डाउन जब करते हैं तो गैल ब्लडर और डाइजेस्टिव में ये एक्सक्रीटेड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस फूड इटसेल्फ, क्या है, मिल्क। मिल्क कभी दालें मत कर देना, आपने देखा होगा एक शिशु जब भी है मिल्क पीता है, क्योंकि वो क्या है, एक बैलेंस फूड है। क्या है, वो एक बैलेंस्ड फूड है, ठीक है। मीट हनी ये नहीं, पल्सेस में आदमी कंजी करता है पर मिल्क में सब उसको मिलता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फूड है, ठीक है। कार्बन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, आपको मालूम है कार्बन क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्यों, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होल्ड करता है शेयर्ड प्लेनेट में स्ट्रॉन्गली ड्यू टू द स्मॉल साइज, किसके कारण, ड्यू टू द स्मॉल साइज। कार्बन न्यूक्लियस होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें बोल रहा है, देखो ये साफ ही बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करता है मैग्नेट को, तो कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देखो वीक तो होगा नहीं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ही होगा। कार्बन न्यूक्लियस होल्ड द शेयर पेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द लार्ज नहीं स्मॉल साइज के कारण। कार्बन का एटमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। स्ट्रॉन्गली ड्यू टू द, और एटॉमिक मास तो आपको पता ही है 12 होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज के कारण जो न्यूक्लियस जो बॉन्ड करता है, क्योंकि कार्बन का साइज क्या है, स्मॉलर है, लार्ज साइज होगा तो वो वहां पर वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ड्यू टू द स्मॉल साइज, ठीक है। द कन्वर्जेशन ऑफ इथेनॉल टू एसिटिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का एग्जांपल है भाई, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इथेनॉल का एसिडिक में चेंज होना, ठीक है। किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का, ठीक है, एसिटिक एसिड में, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर डैश एक्ट एज कनेक्टिव बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो वो क्या कहता है, कार्बन बुसेस, कार्बन बुसेस जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, कार्बन बुसेस कम्यूटेटर टर्मिनल पे जो काम करते हैं कनेक्ट करते हैं, कार्बन बुसेस। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन है Na2SO4 बैरियम क्लोराइड है, अब ये रिएक्शन किसके लिए, प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या होगा, ये जो है ना BaSO4 NaCl तो घुस जाएगा, ये तो साल्ट बन गया आपका, ये तो साल्ट बन जाएगा, पर जो प्रेसिपिटेट क्या होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ये पूरी तरह डिजोल्व नहीं होगा, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा ये, तो ये जो है हमारा क्या है, PPT हो जाएगा, ठीक है, Na2SO4। तो यही एग्जांपल NCERT का, आप इस तरीके से इसको याद रख लें, कुछ भी कर लें कॉम्बिनेशन में, तो जब हमारे दो प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं A और B के साथ, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिस्प्लेस में वो आगे डिस्प्लेस करते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट होगा वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट बना देगा, दो में टूट जाएगा एक तरीके से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, NaCl साल्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट है यहाँ पर, ठीक है, बेरियम सल्फेट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन में क्या, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं उनको ही बोलते हैं, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो एक और रिएक्शन यहाँ पर है, बेरियम क्लोराइड के साथ वही चीज़ आगे पीछे तो लिख दिया है, तो सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो होगा प्रेसिपिटेस होगा, सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से घुल जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अब बात देखते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब एक है कि ये जो ब्रेक होगा, डीकम्पोज होगा ना, यानी कि वो टूटेगा, डीकम्पोज, कोई चीज़ पहले कम्पोजिशन होगी तो वो डीकम्पोज होगी, ब्रेक इनटू द एलिमेंट द फ्यूल, जैसे क्या होगा, इन जनरल होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट, इस तरीके बनेगा, ए बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, एग्जाम्पल H2O2H अलग कर दिया, तो ये क्या हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बन रहा है, ये यहाँ पर क्या है, HG हो गया, HG प्लस O2 बना गया यहाँ पर, वो बैलेंस करने के लिए होता है। ये क्या होगा, एक अंडा था इसको तोड़ दिया, इस तरीके से ये हमने क्या किया, एक ये बना दिया, तो ये एक तरीके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दिखाने काम कर रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है वन मोर रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू मोर सैंपल, एक ही रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन अगर जैसे NaCl है, NaCl है, तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl, एक ही तो हमारे पास रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट था, तो यहां पर क्या हो गया, Na प्लस Cl, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे दो प्रोडक्ट बन गए, वन और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, ये सिंपल प्रोडक्ट ही तो हो गया, सोडियम और क्लोराइड, सिंपल प्रोडक्ट में दो से ज्यादा हो गए तो वो डीकम्पोजिशन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो जैसे क्या हुआ, कॉम्बाइन करना है, जैसे H2+O2 ये क्या बनाएंगे, H2O बना दिया, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे उसका उल्टा ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करता है, जो ज्यादा रिएक्टेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन ऑन विच एक ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, आपको मालूम है, और रेट रिएक्शन में क्या रहेगा, जो हमारी एनसीईआरटी में आपको मालूम है कि जैसे पहले पे हमारा क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, इस तरीके से जलते हैं ना, एमजी है हमारा, एमजी जो कि हॉट से रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम है, इस तरीके से जो रिएक्टिव कैल्शियम है यहाँ पर, और जो ज्यादा ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, और वो उसको लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या, जैसे हमारा हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, सोडियम MgCl2 है, तो ये जो सोडियम किसको करेगा, Mg को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो Mg की जगह पे कौन बैठेगा, पोटेशियम बैठ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, पोटेशियम रिएक्टिव क्या है, मोर है, तो यहाँ पर क्या होगा, KCl और Mg को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर दिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। अकॉर्ड और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो ये कह सकते हैं कि मतलब या तो ऐड हो जाए ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिफाइन द प्रोसेस विच एन एटम लॉस और गेन, लॉस और मोर इलेक्ट्रॉन ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया C+O2, तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही, रिडक्शन हमारा क्या कहता है, रिडक्शन जो बोलता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन करना, और इसको रिडक्शन में इसको हटाना, रिमूवल करना, ये तीन होता है, ठीक है, गेन होता है यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल यूज ऑफ फिलामेंट, आपको मालूम है किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी होगी ना, हाई रेजिस्टिविटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा ना, लो टेम्परेचर और हाई कंडक्टिविटी नहीं होगी, हाई रेजिस्टिविटी होगी, यानी कि वो रोक पाएगा। जितना आपने फिलामेंट आपने देखा होगा, घर में भी लगा रहता है, घर में भी लगा होता है, आपने देखो पहले जमाने में इस तरीके से उसको हम लगाते थे, तो उसकी वो जो वायर होता था उसकी क्या लगती थी, हम कॉपर का वायर लेते थे, उसकी रेजिस्टिविटी हमारी हाई होती थी। तो फिलामेंट जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है, तो उसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंज्यूम एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है, पावर दे दिया, ठीक है, पावर दे दिया, क्योंकि वॉट में भी दिया है यूनिट, ठीक है, ये दे दिया है। व्हेन हीटेड द वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज दे दिया हमको 270, ठीक है, 270, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको देखो पावर का एक फॉर्मूला होता है P=V2R, ठीक है, V की वैल्यू क्या दिया, 270 × 270, और हमको क्या दिया, आप रेजिस्टेंस तो हमको निकालना ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस ही निकालना, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आर को इस तरफ ले आते हैं, पीसीएम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 540, ये क्या आएगा, 27 × 54, तो ये होते हैं, ठीक है, और 2×5 = 10 हो गया, क्योंकि हमारा क्या हो गया, 27 × 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7×35 = 5, 8 × 3, 5×2 = 10 और 3×13, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 135 ओम, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ठीक है। मेल्टिंग क्या बोला था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी हाई, आपको मालूम है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ऐसा क्यों, इसलिए होता है, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इनमें क्या होता है, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्यों, ज्यादा एनर्जी की इनको रिक्वायर्ड होती है इनको ब्रेक करने के लिए, इसलिए इनका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, इनको स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके होते हैं हाई, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये क्या हो गया, जैसे हमारे क्या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इसका, आयनिक कंपाउंड का, मेटलिक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, वाटर और डायमंड में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड आर आजकल तो एसओ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड को मतलब आयनिक बॉन्ड को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, लिंकेज ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करते हैं बिटवीन अपोजिटली चार्ज, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, केमिकली कंपाउंड सच बॉम आर फ्रॉम द वैलेंस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ट्रांसफर द परमानेंटली अनदर,
जैसे ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक एटम की जरूरत पड़ेगी तो वो लेने की कोशिश करेगा, सेवन है तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने की गणना, तो ये क्या परमानेंटली लेने की ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए क्या होती है इनमें इंट्रा आयोनिक अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज कैटायन वन द अदर इज द गेम द नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इसको एनायन बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन प्लांट, देखो अब देखो जाइलम फाइलम सबने पढ़े हुए हैं, जाइलम फाइलम सबने पढ़े हैं, पर लेकिन ये क्या करते हैं, इन प्लांट रिजाइन गम आर स्टोर्ड स्पेशली, जो गम निकलता है पेड़ से स्टोर कर, वो किससे निकलता है, ओल्ड जाइलम से निकलता है। फाइलम क्या करता है, हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये क्या करता है हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है हमारा, जाइलम हमारा क्या करता है, हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। पर लेकिन जो स्पेशली काफी ओल्ड हो गए हैं, मतलब जो स्टोर्ड होते हैं, तो ओल्ड जाइलम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं उसको, गम हुआ तभी तो आपने देखा, क्योंकि प्लांट में वेस्ट मटेरियल निकालने का कोई चीज तो है ही नहीं, तो ये जो है ओल्ड जाइलम क्या करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं, जो रिजाइन से गम जो भी निकलते हैं, ठीक है, उसमें। देखो अब ये क्या होता है, जाइलम और फाइलम में क्या होता है, जाइलम क्या करता है हमारा वाटर, मैंने बताया था वाटर एंड मिनरल्स, ये बोल सकते हैं वाटर और मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं रूट ऑफ द बॉडी, प्रिपेयर्ड फूड फॉर द, फाइलम हमारा फूड प्रोवाइड करता है, और जाइलम क्या करता है, मैग्निकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डू नॉट प्रोवाइड, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और इसमें सीबीएफ टू, या फाइलम में क्या हो, सीबीएफ टू कंपेनियन सेल होते हैं, फाइलम और पैरेन्काइमा होता है। और याद कर रहा ना, जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब कहीं भी ऊपर नीचे, पर लेकिन फाइलम क्या होता है हमारा, फ्लोएम क्या होता है हमारा, वायर डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और जाइलम में हमारा क्या होता है, ट्रेकिया पोजिशन में होती है, इसमें सीबीएम ट्यूब रहती है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट और भी देख लेते हैं, बाय अदर प्रोडक्ट, जैसे लेटेक्स हुआ, रिजाइन हुआ, ऑयल्स हुए, आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, बाय प्रोडक्ट आर नॉट यूजफुल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, स्टोर्ड और बार्क एंड स्टीम जो प्लांट होते हैं, और शेड ऑफ द सम टाइप, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है इनके प्लांट के, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीशन ऑफ दीज गैसेस टेक प्लेस द स्टोमेटल पोर्स ऑन लीव्स, जाइलम आपको मालूम फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट, ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो अभी सारी चीजें बताई हैं वही चीजें हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट, मेंडल ने जो टॉल प्लांट थे पी प्लांट के, और विद शॉर्ट प्लांट, मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए, एक टॉल प्लांट पे, एक सीड प्लांट जो है पीक पे ही, मटर के ही है, ठीक है, द प्रोगोनोमी वॉज ऑल टॉल प्लांट व्हेन ही क्रॉस प्लांट बियरिंग राउंड सीड्स, आपको मालूम कि जो टॉल जो क्रॉस पी थे बियरिंग क्या होता है, राउंड सीड हो रहे थे, इतनी राउंड सीड्स हो रहे थे, रिंकल्ड स्पॉन्जी ऑल अराउंड द टॉल प्लांट विद द बीकिंग विद द शॉर्ट बियरिंग राउंड सीड्स वुड प्रोगोनरी द प्लांट टुक लुक्स लाइक, वो कैसे लग रहे थे कि जो टॉल प्लांट थे विद द राउंड सीड्स, वो गोल गोल की तरह थे जो टॉल प्लांट थे, ठीक है, टॉल प्लांट थे वो कैसे लग रहे थे, वो राउंड सीड्स की तरह, राउंड सीड्स की तरह, गोल गोल की तरह, ठीक है, टॉल प्लांट पे केवल। फ्यूज ऑफ डोमेस्टिक पर्पज द रेटिंग, याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वाले भी इस क्वेश्चन को ध्यान रखे जाए, तो जो हमारा जो क्या होता है 1 एम्पियर से 10 एम्पियर का जो है, जो हम घरों में यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज से, जो फ्यूज यूज करते हैं 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर का यूज करते हैं, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर का यूज करते हैं डोमेस्टिक यूज में। आपको मालूम है फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाई रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, फ्यूज हम घरों में कैसे यूज करते हैं 1 से 10 एम्पियर का, ठीक है, याद रखना इसको। रेशो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर 10th क्लास में बेसिक है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और देखो आपने ये देखा होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव कहाँ पर होता है, रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, ये हमको टेढ़ी दिखाई देती है इस तरीके से, वो क्यों देती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है, एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन हो सकता है, वैसे इसको बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन, पूल ऑफ वाटर अपीयर लेस, रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई, कैमरा लेंसेज, ग्लासेस हैं, तो वो सारे क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट लॉसेस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, सबको मालूम है आपके घरों में भी किसी इक्विपमेंट में गर्म हो जाती हैं, तो जो लॉसेस हैं वो क्या है, हीट के फॉर्म में क्या होती हैं, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपको मालूम है कि ये चार्जेस के में फ्लो होता है, तो वो क्या कहते हैं, हीट निकलने लगती है, तो वो क्या होते हैं, लॉसेस हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में लॉसेस कह सकते हैं, ठीक है। फोर ए स्पेरिकल मिरर व्हेन ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे है कोई भी क्या ले लिया उसने, स्पेरिकल मिरर ले लिया,
और एंगल इज फॉर्मेट द रिफ्लेक्टेड। आपको मालूम कि हम वैसे क्या होता है फोकस से होकर गुजरती जाता है, पर लेकिन वो बोल रहा है कि कोई भी रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास की है तो वो क्या हो जाएगी इससे रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो क्या हो जाएगा इसका तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो होगा। एज द रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर टेक इज द, तो ये क्या हो जाएगा जीरो डिग्री का नॉर्मल के साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, जबकि क्या होता है फोकस से निकल के जाती हैं, तो इसलिए वो एक स्पेशल केस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज वेन द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, क्यों द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। आपको मालूम है जब भी कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं आप जिम में कर रहे हो या थक रहे हो तो वो क्या करते हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज डिमांड फॉर एनर्जी हाई बट सप्लाई ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है मसल सेल्स में सो होती है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली प्लांट हैव लो एनर्जी नीडेड वेन द कम्पेयर टू द एनिमल। आपको मालूम कि प्लांट को लो एनर्जी की सकती है, मेन रीजन इसका क्या है एक तो रीजन ये कि इनके डेड सेल्स होती हैं, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, ज्यादातर क्या डेड सेल्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, वो घूमने नहीं जा सकते ना आपकी तरह या एनिमल्स की तरह, ठीक है। प्लांट सिंथेसाइज द अनपुट फूड तो बनाते ही हैं, पर लेकिन वो पूछ रहे हैं कि मेन रीजन क्या है, द प्लांट रिलीजेस ओ टू ऑक्सीजन भी होती है रेस्पिरेशन पर, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट को लो एनर्जी की नीड क्यों होती है, उन पर खर्चे उनके कम, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रोपोर्शन है लार्ज प्रोपोर्शन का वो डेड सेल से है और मोबिलिटी वो नहीं करते हैं। आपने कभी देखा कोई प्लांट का भी मोबिलिटी, तो ए और बी एक आपके अप्रोप्रिएट रीजन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में आपको मालूम अभी बता के आया हूँ आरबीसी में आपका क्या होता है आयरन होता है, ठीक है, आयरन आयरन की कमी देता होगा, एनीमिया की कमी से आयरन की डिफिशेंसी हो जाती है फीमेल्स को काफी। और न्यूलैंड ऑक्टेव के रूल्स में जो था वो क्या था वो कोवाल्ट और निकल को एक ही टेबल में रखा था, और देखो लिथियम की सोडियम के साथ क्या बनेगी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या बनेंगी सिमिलर होंगी, ठीक है। विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन चेंज द नॉर्मल वो हॉर्मोन हार्मोनल बैलेंस इन द, आपको मालूम है कि इंटेक जो पिल्स लेते हैं 72 घंटे में जो अपनी गर्भ को गिराने के लिए जो गर्ल्स खा लेती हैं फीमेल खा लेती हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव ये चेंजेस होती हैं हार्मोनल बैलेंस जो उनके चेंजेस होते हैं वो क्या जो इंटेक ऑफ द पिल्स जो लेती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर ऑफ होमोगिलेज, ये किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है देखो इसमें क्या होगा आपका इसका आंसर क्या है CH3OH है और C2OH है, ठीक है C2OH है। अब देखो ये यहाँ पर क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ सिमिलर मिलने की आपको ये बनाना है, और ये क्या होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी विद द सेम जनरल फार्मूला के, जैसे हमारा जनरल फार्मूला मालूम है अल्केन के साथ क्या होता है अल्कीन के साथ है CnH2n, और इसको याद करने के लिए ये है कि मीथ पर क्या होता है मीथेन है जैसे CH4 है। मॉन्स्टर ईट पीपल्स बट प्रिफर हेरी हॉगीज ओकेशनली, यानी कि मॉन्स्टर ईट पीपल्स बट, यहाँ तक तो याद करें ब्यूटेन से स्टार्ट करेंगे, मीथ यानी कि ए है दो है तीन है या चार है ब्यूटेन, ठीक है। पेंटा पर तो आपको बताइए मॉन्स्टर ईट पीपल्स, ठीक है ब्यूट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मीथेन हो गया, तो यहाँ पर हमको पूछा है होमोगेलस सीरीज कौन सी, तो होमोगेलस सीरीज इसकी इसकी प्रॉपर्टी हमारी सेम बनेगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके का इसको करना पड़ेगा, इसको देखो ऐसे ये प्रॉपर्टी है, देखो ये क्या होता है हमारा क्या है होमोगोलस है और सेकंड होमोगोलस क्या बनेगा जैसे CH4 है, ठीक है CH4 है तो हम क्या लगेंगे कार्बन है, तो ये यहाँ पर क्या लगाएंगे चार हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, ये लगा दिया हमने चार हाइड्रोजन। अब ऐसे ही इसके साथ CH3 और CH3 की ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, ठीक है CH3 की, ठीक है एक ही कार्बन है एक ही कार्बन तो जरूर होगा ही होगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है। बाय विच प्रोसेस वी डू गुड वॉशिंग सोडा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3, याद कर लो रट लो बहुत बार पता नहीं मेनी टाइम्स बार कितनी बार आया ये, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 वॉशिंग सोडा हमको कैसे प्रोसेस से मिलता है रिक्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। आपको और भी बता दूं देखो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या कर रहे हैं हम Na2CO3 करा 10 मॉलिक्यूल्स ले लिया हमने वाटर के, तो यहाँ पर क्या बनेगा Na2CO3 10H2, तो ये हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं केमिकल नेम बोलती है सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे केवल सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में सोप इंडस्ट्री में पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वॉशिंग सोडा का यूज किस में होता है रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में रिमूव करने के लिए काफी ये यूज किया जाता है।
बेकिंग सोडा क्या है, कॉमन नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा की बात करेंगे, NaH होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉन फ्लेमेबल है, जिस क्या है नॉन फ्लेमेबल, इसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। बेकिंग सोडा है बेसिक इन नेचर, आपसे क्या पूछा जाएगा बेकिंग कैसा है, बेसिक है, आपको मालूम है कि ये एंटीऑक्सिडेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है, जब एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा का भी यूज कर लेते हैं, तो ये क्या है बेसिक इन नेचर है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट में, ये क्या होता है जब एंटा एसिड यूज टू द ट्रीट फॉर स्टमक, जो बोला है फायर एस्टिंगर्स में इसका यूज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोफी फॉर्म, तो ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये क्या है सोपी फॉर्म बनाता है, सोपी फॉर्म बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए फायर एस्टिंगर में यूज है। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, येल्लो वाइट, येल्लो इस वाइट पाउडर है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जो क्लोरीन की आपने देखा भी होगा, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सैकलेट लाइम के साथ करते हैं विद क्लोरीन में, सैकलेट लाइम क्या होते हैं भुजा हुआ चीना CO और ये H2, अगर इसको क्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। इट इज द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजर है, ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या है ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना है इसको, बहुत बार पूछा है ब्लीचिंग पाउडर क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस आपको हेमियाडेड अभी पहले ही बता के आ रहा हूं, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल प्रेजेंट वन ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप में क्या हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर सेम रहेंगे, ठीक है। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड, आपको मालूम है कि ये स्पेरिकल लेंस है, ये पूरा एक लेंस है, इसको क्या बोलेंगे अपाचर ही तो बोलेंगे, इसको अपाचर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर ये होता है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस आपकी यहाँ पर होती है, एफ यहाँ पर फोकस होगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो एक आपको मालूम है कि जब भी क्या स्पेरिकल लेंसेज ही पढ़ते हैं क्योंकि इसको काटा जाता है एक तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेरिकल लेंस इसको क्या बोलेंगे अपाचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बोलेंगे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा बीच में लगा देते हैं, ठीक है, एफ हमारा यहाँ होगा, आर हो जाएगा हमारा, आर तो हम निकाल लेंगे कोई दिक्कत, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपाचर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ आप अपने इस क्वेश्चन को जरूर करके देखो, आपको लगा होगा कि मैंने क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाए हुए हैं, निकाले हुए क्वेश्चन हैं, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।